दोस्तों, आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो शायरी करते हैं या शायरी करना जिनका पेशा है या कविताएं लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे बहुत कम लोगों को जानते होंगे जो कविता जीते हैं, शायरी करना जिनका पेशा नहीं है बल्कि उनकी मोहब्बत है। सुनी महवाल, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, ऐसी आपने बहुत सारी अधूरी प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन आज जिस शख्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो एक ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी एक मुकम्मल प्रेम कहानी है और उसने जो कुछ भी लिखा वो अपनी मोहब्बत के लिए लिखा। मैं बात कर रहा हूँ इमरोज़ साहब की। वो पेशे से शायर तो नहीं है, लेकिन शायद उनकी पूरी ज़िंदगी एक नज़्म की तरह है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ लिखा वो अमृता के लिए लिखा। तो उनकी लिखी नज़मों में से एक नज़्म है, मंजिल जैसी राह, जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। सामने कई राहें बिछी थीं, मगर कोई राह ऐसी नहीं थी जिसके साथ मेरा अपना आप चल सके। सोचता कोई तो हो मंजिल जैसी राह, वो मिली तो जैसे एक उम्मीद मिली जिंदगी को। ये मिलन चल पड़ा, हम अक्सर मिलने लगे, चुपचाप कुछ कहते कुछ सुनते, चलते चलते कभी कभी एक दूसरे को देख भी लेते। एक दिन चलते हुए उसने अपने हाथों की उंगलियां मेरे हाथों की उंगलियों में मिला दी और मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे जिंदगी पहेली पूछना चाहती हो कि बता तेरी उंगलियां कौन सी हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और नजर से ही उससे कहा, सारी उंगलियां तेरी भी, सारी उंगलियां मेरी भी। एक तारीखी इमारत के बागीचे में चलते हुए मेरा हाथ पकड़कर कुछ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, इस तरह मेरे साथ तू कहां तक चल सकता है। मैंने कितनी ही देर उसका हाथ अपने हाथों में दबाए रखा, जैसे हथेलियों के रास्ते जिंदगी से कह रहा हूं, जहां तक तुम सोच सको। कितने ही बरस बीत गए इसी तरह चलते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, साथ लेते हुए, इस राह पर, इस मंजिल जैसी राह पर। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी दिलचस्प नज़में, कविताएं मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई कविता है जो आप सुनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस पर लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसे हम आप तक पहुँचाएँ। थैंक यू।